फरवरी में काफी टाइम है, अगर आपको दोबारा अरेस्ट किया जाता है या इलेक्शन में उनका ये भी मंसूबा हो कि कप्तान के साथ मरवत साहब को भी अंदर रखने हैं जेल के अंदर, तो सर क्या पैगाम देंगे तहरीक इंसाफ को? देखिए कोई पता नहीं है, आज कर लें कल कर लें, मुल्क में कानून तो कोई है ही नहीं और रकस जारी है लाकानूनीत का तवाइफुल मलूकी का, तो लिहाजा इस ममलकत खुदादाद में मैं क्या वसूख से कह सकता हूँ कि जी मैं गिरफ्तार नहीं हूँगा। अगर गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तानियों को अल्लाह ने अकल दी है, ये गिरफ्तार करके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मजबूर करके अपना यशर खराब कर दिए, पूरा पाकिस्तान इधर हो गया हमारे साथ और इनके पास कुछ कख भी नहीं रहा, तो लिहाजा कख फिराते रहें। इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुल्क में आवाम ऐसे चमेटे इन गंजों के सरों पे मारेगी कि इंशाल्लाह इनको बाबे का दूध याद आएगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो जिन रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मशरूत तरीके से तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं, अगर वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत ऐलान करते हैं तो क्या इस सिलसिले में फवाद चौधरी, असद उमर और बाकी जो कायदीन हैं वो आ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये पार्टी पॉलिसी शायद ये नहीं है। पार्टी पॉलिसी इस अमर में वाजे हैं कि जो एक दफ़ा खान का साथ छोड़ गए वो टिकटों से महरूम हैं। अगर सिर्फ इस वजह से आना चाहते हैं कि जी हम आ गए अब दोबारा में पार्लियामेंटेरियन बनाओ, तो इससे बेहतर है ना हम उनको बना दें जो हमारे साथ आड़े वक्त में डटे रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी और खान की पॉलिसी ये है वाशकाफ अल्फाज में कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको ना टिकट मिलना है, हत्ता कि शेख रशीद साहब के हवाले से भी हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनके खिलाफ भी अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसे फर्द को या अफराद को अपने सफ़ों में दोबारा लेने के लिए तैयार। मरवत साहब ये बताइएगा कि आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपने कल वीडियो में कहा था कि अगर दोबारा से पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो दो दो हाथ करेंगे, तो क्या हाथापाई करेंगे दोबारा से या क्या करेंगे? अगर इस तरीके से करेंगे जिस तरह उस दिन किया है तो मेरा ख्याल है मुझे कानून हक देता है कि मुझ पर कोई नाजायज अटैक करे मैं अपना डिफेंस करूँ, तो इंशाल्लाह अगर बगैर वारंट के बगैर FIR के जबरदस्ती करेंगे अपने दिफा का मुझे हासिल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।